ये हमारे फराज भाई हैं, हमारे TPL के मैनेजर हैं, बहुत पुराने, सब कुछ मैनेज यही करते हैं। और ये रहा TPL का ड्रोन व्यू, छत के ऊपर छत और यहाँ से पूरी दिल्ली दिख रही है। और बहुत ही शानदार शॉट से दौरान, अरे बहुत ही शानदार, कदम बढ़ा के, ओह माय गॉड, ओह कंट्रोवर्सी से घिरा रहा बट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। विनर हैं आज के कैप्टन। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत ही डिफरेंट है, जो हम लोग आए हैं TPL खेलने, टेरेस प्रीमियर लीग, और इसके प्रोप्राइटर या स्पॉन्सर जो बोलिए फराज भाई हैं, और ये पूरा आपको टूर कराएंगे टेरेस का और बताएंगे क्या क्या यहाँ पर है, कैसे कैसे रन बनेगा, कैसे कैसे, और बहुत इसका जो रूल्स रेगुलेशन है पूरा अलग है नॉर्मल मैच से, वो भी फराज भाई बताएंगे। ये फराज भाई बताइए आप, ये TPL हमारा काफी पुराना चल रहा है, इधर आप दिखाइए, ये हमारा विकेट है, यहाँ से ये पूरा हमारा टेरेस प्रीमियर लीग होता है। तो इस पोल से लेकर के यहाँ तक जितना भी हमारा स्कोरिंग एरिया है सब डायरेक्ट आउट है, क्योंकि ये टेरेस है, हम लोग यहाँ अग्रेसिव प्ले अलाउ नहीं करते, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ सारा डायरेक्ट आउट है। और वहाँ वो जो आप दूसरा पोल देख रहे हैं लोहे वाला, वहां से लेकर के एंड तक कॉर्नर तक वो दो रन है, और उधर से फ्रंट का सारा हिस्सा चार रन है, डायरेक्ट आउट है सारा ही, पटका के दो रन है इधर, पटका के चार रन है सामने, और ऑफ में इधर पटका के दो रन है, और बाकी ये जो पोल है हरा वाला और उधर सीढ़ी है लोहे की, ये दोनों जैसे भी लगे दो रन है। और फिलहाल रूल इतना ही, और हम लोग यहाँ खेलते हैं काफी टाइम से, तो आप देखिए आप बाकी मैच खेलते खेलते सारा कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल, वेलकम टू TPL। आज देखते हैं हमारे मेन बॉलर मुन्ना, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो है हमारे TPL के बहुत फेमस बॉलर शकीब भाई, आज देखते हैं ये अपने बॉलिंग से क्या जादू दिखाते हैं, और आज देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। अभी तो टीम बटी नहीं है, डिसाइड होता है तो उसके बाद बताते हैं आपको। ये हमारे फराज भाई हैं, हमारे TPL के मैनेजर हैं, बहुत पुराने, सब कुछ मैनेज यही करते हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं और कॉम्बो बना रहे हैं प्लेयर्स का, बाकी मैच में देखते हैं आज क्या होगा। शकीब भाई आप कुछ निंजा टेक्निक बता रहे थे, बताइए को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे किया जाता है। तो शोएब भाई देखिए अभी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बाकी मैच में आप दिखा दीजिएगा पब्लिक को क्या सीन है, शोएब भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले आज। और ये रहा TPL का ड्रोन व्यू, छत के ऊपर छत और यहाँ से पूरी दिल्ली दिख रही है, आप देखिए। और शफी भाई को देखिए, ये बॉल लेकर के आ गए हैं शफी, यहाँ पर टीम बट रही है, चिप से डिसाइड होगा कौन किसके टीम ना है। हम यूनिस भाई के टीम में हैं और हम लोग जीत रहे हैं, पहले ही से बता दे रहे हैं आप लोग, ये लोग सब लोग हार रहा है, शफी तो पहले ही से हार गया है, टीम डिसाइड हो गया है अभी सारे लोग, और अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। TPL के सियासी नेता उतरते हुए, ये सियासत करते हैं TPL में, बैटिंग से नहीं तो बॉल से ही लोगों को हरवा देते हैं, जो टीम में फूट डालने का काम करते हैं। और दो विकेट चला गया है, दो विकेट बस दो रन पे, और यहाँ पे लग रहा है कि फराज भाई की टीम 10 रन के अंदर ही आउट हो जाएगी। टीम के कैप्टन कैसे बता रहे हैं कि कैसे भी आउट नहीं होना है, 3 विकेट डाउन और लगता है 10 रन से ज्यादा नहीं बनेगा, क्या बोलते हैं शफी भाई? नहीं बन रहा भाई, टीम का मेन बैट्समैन अभी उतरा है, और यहाँ पे सचिन पाजी देखेंगे, बहुत मारता है, बहुत मारता है शुक्ला जी, अभी हम क्राउड में देख रहे हैं कितने लोग हैं, अभी पूरा बटला हाउस आ जाएगा यहाँ। और हमारे बहुत ही शानदार गेंदबाज यूनुस भाई, आदमी नीतीश कुमार है, जो भी नया प्लेयर आता है उसके तरफ हो जाता है, तो कभी इधर होता है, कभी बीजेपी, कभी RJD, तो इनका यही चलता है। और 15 रन रहा स्कोर फराज भाई की टीम का, और मुन्ना भाई उतर गया बैटिंग पे, और देखते हैं अभी कौन जीतता है, ऐसे तो हम लोग जीत रहे हैं। रही शोएब भाई, हमको तो लग रहा है जकी की टीम हारेगी, 14 चेज नहीं होगा, हम लोग तो आराम से जीतेंगे भाई, देखो ना फाइनल में पहुंचेंगे, उसके बाद तुमको भी हराएंगे। और ओवर की समाप्ति से 0 रन, 8 ओवर में कितना चाहिए शफी? 16 रन, बस 16 रन चाहिए जीतने के लिए, और ओवर बच रहे हैं 7। और मुन्ना भाई जो इस टेरेस के सबसे बड़े TPL के बहुत बड़े खिलाड़ी, हिसाब से फराज भाई पीछे जा रहे हैं, लग रहा है हरी मस्जिद से बॉल फेंकना पड़ेगा इनको।
और बहुत ही शानदार शॉट से दो रन और एक और चार रन, दो छह और सैफी भाई बहुत ही खुश और मुन्ना भाई की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं। इनको देखिए अब और बताइए सैफी भाई। और हम लोग पहला मैच जीत गए हैं और अब देखते हैं दूसरा मैच किससे होता है। दूसरे मैच का टॉस वी वॉन द टॉस और अब देखते हैं क्या लिया जाए और अभी डिसाइड हो रहा है क्या ले। बैटिंग यहाँ हमारे जगी भाई हैं जो गया के बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, शूट कर रहे थे। इनके इनके ब्लॉगिंग कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्यों नहीं बोलना चाहेंगे, शर्मा क्यों रहे? पहले ही बॉल पे दो रन, दूसरा बॉल आउट, चार रन पे तीन विकेट गिर गई है हमारी बहुत ही बुरी हाल में। अरे बहुत ही शानदार चौका मार दिया बहुत। ओहो अब हमको जाना पड़ेगा वो पहले ही बोल्ड पे बोल्ड कैसे आउट हो रहे हैं मोहित भाई बॉलिंग करने के लिए। वाइट बॉल और यहाँ पर एक और रूल है, दो वाइड लगातार अब जब डालेंगे उसके बाद वन रन काउंट होगा। एक और वाइड और अब एक रन, पांच रन, मैच ड्रॉ और ये मैच लगता है शोएब भाई के खाते में जाने वाला है। जीत गए वाइड, वाइड से ही जीत गए। शफी भाई आ गए हैं छह पे छह वाइड, देखते हैं क्या करते हैं। ओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल, बहुत ही शानदार वार्निंग मिल गया दूसरी बॉल पे शफी को। ओ तीन का तीन बॉल डॉट, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी पंचेतिया खड़ा से बुलाया गया इनको। वाइड नो डेड, वाइड नो डेड, सब हो गया। बहुत ही सुलझी समझी बॉलिंग, फराज भाई को देखिए पूरा खुश। शैफी भाई रन दिए है बाकी चार ओवर में, शैफी भाई आठ रन एक ओवर में। बॉलर कितने करीब खड़ा है, अंपायरिंग कर रहा है शैफी और शोएब भाई आ गए यहाँ बॉलिंग करने। ओ और पहली बॉल वाइड, ओ बहुत ही शानदार गेंदबाजी। शैफी भाई शोएब भाई देखिए बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बाकी लोगों को दिखाइए कैसी बॉलिंग चल रही है शोएब भाई की। बहुत अच्छी बॉलिंग शोएब की तरफ से, आप देखिए आगे क्या होता है। बॉल है हमारे यूनुस भाई एम्पायर। वार्निंग मिल गया शफी को बहुत गुस्से में, एकदम लग रहा कि बॉल फेंक के पानी निकाल देंगे, अभी यमुना बहा देंगे यहीं से छत से ही। ओ हो टेंशन में आ गए शफी भाई, आराम से यहाँ पर चार पटारा और शफी कितना बिठाया। ओ वेल फील्ड, वेल फील्ड। टीम का रन है कितना, 18 और शफी भाई का रन है 19। अरे बाप रे बाप, करना क्या चाहते हो। ओहो और फराज भाई बहुत ही ज्यादा फॉर्म में, एकदम सर पे कफन बांध के मारने वाले, कभी बहुत नहीं डरते। दो वाइट पे लगातार जैसे बताया था पहले, एक और रन। ओहो शफी भाई देखिए बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए हैं। ओ बहुत अच्छा दो रन, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी में साकिब भाई उतर गए हैं माहौल को ठंडा करने के लिए। पांच छह चौवा बारह हाथ भी दे दिया आपके बोलने का बाद भी। छोटी छोटी शफी भाई गुस्सा खराब है, बिस्मिल्लाह कीजिए। पाप लग रहा साकिब भाई, चार पांच बार मार दिए एक ही बॉल को, बहुत ही गुस्सा में गुस्सा खराब। ईमान नहीं है ब्रो, क्या बोल रहे हो, यही ईमान की कमजोरी में सब लड़के जा रहे हैं। रईस भाई की बॉलिंग देखिए, मुझे तंग किया ना जी पिछला मैच में, तंग कर दिया तुमको, सब तंग किया है सरकार। बाबू बाबू मेरा, बाबू मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया तंग किया। और मुन्ना भाई बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं, कितना रन हुआ, आठ रन, छह रन, दो हो गया दो रन और मुन्ना भाई अपना काम करके आ गए हैं। टेंशन नहीं लेना मुन्ना भाई, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है आप, हाँ कोई वार्निंग नहीं, चोर लोग को चोरी चराया जाएगा। और या कौशन भाई लंबी लंबी कलम बढ़ा के, ओ माय गॉड, ओहो बहुत ही शानदार।
बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यूनुस भाई, यहाँ से बॉल मारेंगे और करीबन गिराएंगे। हमारा रन बन गया 44 और एक ओवर में एक विकेट 0 रन फराज भाई की टीम का। और मुन्ना भाई बॉलिंग करते हुए बहुत ही खतरनाक डिफेंस करने के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, सर पे कफन बांध के आए हैं। बड़ा डर से डिफेंस करना पड़ रहा है, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया शुक्ला जी। अरे ये लगता है कोई नया टाइप का क्रिकेट डांस है जो फराज भाई की तरफ से दिखाया जा रहा है यहाँ। बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है, 13 रन बनाया फराज भाई ने। ओहो 13 रन बनाया है और यहाँ पर सारी विकेट गिर गई है, बस शाकिब भाई बचे हैं। बहुत ही खतरनाक, और ये मैच जो जीतेगा वो हमसे फाइनल खेलेगा। और हम लोग फाइनल में पहुंच गए हैं और अभी टॉस होने वाला है यहाँ। कोई कॉमन नहीं है इसमें, चेहरा असली चेहरा दिखा दे। टॉस जीत गए हैं, अब देखते हैं क्या लिया जाए। एक ओवर 8 रन और 3 विकेट, जो भी है जैसे भी है यही खिलाड़ी हैं जो कर सकते हैं कुछ भी। और पिछले मैच में देखा होगा कितना खतरनाक क्या होता है, बोलना बोलना क्या होता है, या फिर बोलना चाहिए था रुक जाओ भाई, नहीं गलत है भाई, भाई वो डाल चुका था। और यहाँ पर हम सुनो सुनो मेरी बात सुन भाई, सुन लो भी किया था सभी के टाइम सेम हुआ था ना, इन्हीं लोग लड़की विकेट लिए हैं, बोला गया नहीं शफी में, शफी हाथ दे दिया था कि रुक जाने के लिए, उनको बोल चिल्लाया था ठीक है। यहाँ पे बैट्समैन को खुद सतर्क रहना कि अंपायर कुछ भी दे, शफी में उसने लड़की विकेट लिया था ना, शफी का विकेट लड़के लिया था, अब जब अपने पे आई तो कैसा लग रहा है, शफी है कहाँ, अंपायर नहीं, शफी ने भी हाथ दे दिया था, शफी को कॉल कर, शफी हाथ दे के रोका था, अरे पूरा हाथ रोका था सही में, ऐसे ऐसे करके रोका था, चल झूठा कर्मा हो गया गुरु। एक बात बता, ये कितनी बार बैक हुआ है फरीदी, कितनी बार बैक हुआ है मेरी बॉल पे, शॉट लेने गया भाई, पहले तो बैट खेलेगा ना, बैट था हुआ मेरा, पूछ ले अंपायर से, लाओ मत यार क्या कर रहे हो इधर अलग मैच स्टार्ट हो गया है, तब बुला क्यों रहे तुमको, आउट हो गया, आउट है, हम पहले हट गए थे, हाँ भाई टीम है भाई, मैच का खत्म, आप तो ध्यान मिले था, विकेट नहीं मिलेगा भाई, आप तो ध्यान मिले था, असमानवादी आदमी कुछ। इतना देर लड़ाई होने के बाद स्टार्ट हो गया है फिर से, अभी भाई बताइए, अभी देखिए मैच चल रहा है, बहुत चोरी चमारी के बाद क्या हुआ है, बहुत धुआं आ रहा है। ओके अरे जी ओ, अरे बोला मत कर, खेल रहा है तो चलना, और वी वॉन द मैच, शाकिब भाई से ले लो, शाकिब भाई बताइए, हम लोग फाइनल जीत गए, रिव्यू दे दीजिए ओवरऑल, देखिए आज का मैच बहुत ही कंट्रोवर्सी से घिरा रहा, बट फाइनली कंप्लीट हो चुका है, विनर हैं आज के कैप्टन, विनर टीम आ जाइए, कौन कौन है, लो लो, विनर टीम में, विनर टीम पे तो नहीं नहीं ये हमारी नहीं, ये देख लीजिए लूजर का चेहरा देख लीजिए, विनर टीम ये यहाँ के सबसे बड़े चोर, चोर अगर एक चोरी का पुतला बनेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ फारिश भाई से उसकी शक्ल मिलती रहेगी, ठीक है शेर भाई का पहला टीपीएल ट्राई सीरीज विनर रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आप बताइएगा आपको टीपीएल कैसा लगा, और आप टीपीएल खेलना चाहते हैं तो 40,000 रुपया रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो फराज भाई से बात करके आपको बताइए।